अभी आप जो सुनोगे उसका चिंतन और मनन करना, शायद आपको अपने दोषों को समझने का अवसर मिले। अपने दोषों की गिनती नहीं की जा सकती, उन्हें स्मृति में लाना ही मुश्किल है। आगे से दोषों से बचने के लिए मैं अपने आप को सहज बना लूँगा। जो जीवन में हो रहा है उसे सहजता से सकारात्मक सोच के साथ जीवन में उतारने का काम करूँगा। मैं अपने आप को क्यों किसी के लिए बदलूँ और क्यों मैं अपने लिए दूसरों को बदलने को कहूँ। बस जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है वह सब मेरे लिए अच्छा है। जब मैंने किसी के साथ गलत किया ही नहीं तो क्यों दूसरा मेरा गलत करेगा। इतना सोचने भर से ही तो सभी मेरे अपने हो जाएंगे, न कोई खास न कोई दूर। कर्म सिद्धांत कहता है कि जो दूसरों के साथ गलत करता है उसी के साथ गलत होता है। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैंने भी किसी का गलत किया होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।